अनुराधा चुड़ैल अपने इकलौते बेटे भूत कुमार के साथ भूतपुर शहर में रहती थी। भूत कुमार एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, जहां उसे मीना नाम की चुड़ैल से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। मीना अनुराधा चुड़ैल की इकलौती बहू है और वो बहुत पढ़ी लिखी चुड़ैल है, जबकि अनुराधा के लिए सब कुछ कालाक्षर भैंस बराबर है। लेकिन फिर भी अनुराधा एक बहुत अच्छी सास है, जो अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। भूत कुमार और मीना की शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे, जिस कारण घर के सारे हिसाब किताब भूत कुमार ही करता था। एक बार भूत कुमार को किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी मीना चुड़ैल को दे जाता है। उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब मीना चुड़ैल ही देखती है। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद भी मीना चुड़ैल को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी सास अनुराधा चुड़ैल को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, और न ही कभी भूत कुमार ने मीना चुड़ैल से इस बारे में जिक्र छेड़ा। एक बार जब मीना चुड़ैल को घर का राशन पानी लेने बाजार जाना होता है, तो वो अपनी सास अनुराधा चुड़ैल से कहती है, माँ जी मैं राशन लेने जा रही हूँ, अगर पीछे से दूध वाले भैया अपना हिसाब लेने आए तो आप उन्हें तिजोरी से 3,000 रुपए दे देना है। हाँ बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी। अनुराधा चुड़ैल इस उम्मीद में अपनी बहू मीना चुड़ैल की बात मान जाती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे, जिन्हें वो निकालकर दूध वाले को दे देगी। थोड़ी देर बाद मीना चुड़ैल बाजार चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद उनके घर दूध वाला आ जाता है। राम राम मेम साहब, मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो मेम साहब। हाँ यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुराधा चुड़ैल दूध के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1,000 रुपए कितने होते हैं? शायद बहू ने दूध के पूरे पैसे ही रखे हैं। एक काम करती हूँ, ये नोट की गड्डी दूध वाले को दे देती हूँ, जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप देख लेगा। अनुराधा चुड़ैल 3,000 से ज्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है, अरे लालू भूत, ये ले पैसे गिनकर बता दे, अगर ज्यादा हो तो मुझे लौटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे। लालू भूत ये बात भली भांति समझ जाता है कि अनुराधा एक अनपढ़ चुड़ैल है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो कहता है, माँ जी पैसे पूरे हैं, मेरे इतने ही पैसे थे, और हाँ बहुरानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है। इतना कहकर लालू भूत वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मीना चुड़ैल बाजार से आती है और अपनी सास से कहती है, सॉरी माँ जी मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई, आज बाजार में भीड़ इतनी थी कि क्या कहूँ। अच्छा माँ जी, क्या दूध वाले भैया अपना हिसाब ले गए? आपने उनका हिसाब कर दिया, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और हाँ मैंने दूध वाले का हिसाब कर दिया है। वो कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया, फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। इसके बाद मीना चुड़ैल आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है तो वहाँ पैसे कम होते हैं। वो आकर अनुराधा चुड़ैल से पूछती है, माँ जी आपने पैसे किसी और काम में भी खर्च किए हैं क्या? वहाँ से पैसे जरा ज्यादा निकले हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहीं पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए, क्योंकि तिजोरी में पैसे 3,000 रुपए से ज्यादा निकाले हैं। अगर आपने किसी काम में खर्च किए हैं तो कोई बात नहीं, ये पैसा आपका ही है। मीना चुड़ैल की बात सुनकर अनुराधा चुड़ैल सोचती है, हे राम कहीं मैंने दूध वाले को पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए। फिर वो घबराते हुए अपनी बहू मीना चुड़ैल से कहती है, सच कहूँ बहू तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते, और नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। मुझे लगा कि तुमने दूध के पैसे गिनकर रखे होंगे, सो मैंने उठाकर उसको दे दिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लालू भूत मुझसे दगा कर जाएगा। मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था, पता नहीं आज मुझ अनपढ़ चुड़ैल के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हो गया होगा। माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? पैसे दूध वाले लालू भूत को ही तो दिए हैं, कोई बात नहीं अगले महीने के हिसाब में लगा दूंगी। लेकिन माँ जी एक बात बताए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप ये बात मुझसे कह देती, भूत कुमार ने मुझे ये हिसाब किताब दिया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी
कि हिसाब किताब मुझे मिले। मैंने जब भूत कुमार से कहा तो उन्होंने कहा कि हिसाब किताब तुम संभालना, फिर मैं मना नहीं कर पाई और न ही मुझे ये पता था कि आपको पढ़ना नहीं आता। अब मीना चुड़ैल के मन में यह इच्छा जाग जाती है कि वो अपनी सास अनुराधा चुड़ैल को पढ़ना लिखना सिखाएगी, इसलिए वो अपनी चुड़ैल दोस्त की मदद से स्कूलों को ढूंढने में लग जाती है जहां उनकी उम्र की चुड़ैलों को पाया जाता है। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद मीना चुड़ैल को ऐसा एक स्कूल मिल भी जाता है। भूत कुमार, मैंने एक ऐसा स्कूल ढूंढा है जहां माँ जी की उम्र की चुड़ैलों को पढ़ाया लिखाया जाता है। मैं चाहती हूं कि माँ जी भी स्कूल में जाएं और पढ़ना सीखें। अरे विचार तो बहुत अच्छा है मीना, लेकिन क्या माँ इसके लिए तैयार होगी? मैं कुछ नहीं जानती भूत कुमार, आप किसी भी तरह माँ जी को मना लो। भूत कुमार अपनी माँ से बात करके उन्हें स्कूल जाने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों जाकर अनुराधा चुड़ैल का एडमिशन करवा देते हैं। कुछ दिन स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद अब अनुराधा चुड़ैल को पढ़ना लिखना आ जाता है। फिर एक दिन दूध वाला अपना हिसाब लेने आता है तो मीना चुड़ैल अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है, माँ जी जरा एक बार दूध वाले का हिसाब कर देना, मैं कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है बहू, तुम अपना काम निपटा लो, तब तक मैं इस दूध वाले को निपटा कर आती हूँ। फिर अनुराधा चुड़ैल पैसे लेकर जाती है और दूध वाले से कहती है, लालू भूत, तुमने मुझसे अनपढ़ समझकर पैसे ठगे थे, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी पर मैंने कभी शक नहीं किया, वो तो भला हो मेरी बहू का जिसने मुझे सच सच बता दिया। मैं तो खामखा तुम्हें ईमानदार समझ रही थी, आज के बाद अगर कभी किसी हिसाब में गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लालू भूत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अनुराधा चुड़ैल से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, इतने नोट देखकर मैं लालच में आ गया था, इसलिए झूठ बोल दिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अनुराधा चुड़ैल खुश होते हुए अपनी बहू के पास आती है और अपनी बहू मीना चुड़ैल से कहती है, मीना बहू, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझ में इतनी हिम्मत आई जो मैं ये हिसाब कर पाई। आज मुझे पाई की अहमियत समझ आ गई। बहू, पाई करके जो आत्मविश्वास और समाज में इज्जत मिलती है उसका भी अपना ही मजा है। तू मेरी बहू नहीं बेटी है, बेटी भगवान तुझ जैसी बहू हर किसी को दे। ये सुन मीना चुड़ैल भी खुश होती है और इस तरह एक अनपढ़ चुड़ैल पढ़ना लिखना सीख जाती है।